नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आइए 8 मई की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। आंधी तूफान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 8 मई को बंद कराने का शासन द्वारा दिया गया आदेश। चित्रकूट जिला के मानिकपुर क्षेत्र के उमरी गांव के कंपोजिंग विद्यालय में हुआ हादसा। छत से गिरकर एक छात्र का हाथ टूट गया, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चित्रकूट जिला के डीएम के आदेश पर 8 मई को कस्तूरबा गांधी स्कूल को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद किया गया। आदेश का कारण आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए किया गया है। महोबा जिला के पहाड़ पर लगातार हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन का चला चाबुक। एसडीएम, खनिज अधिकारी और एआरटीओ की संयुक्त टीम ने पहाड़ पर मारा छापा। बांदा जिला में महिला ने दिया बच्चे को रास्ते में जन्म, डॉक्टर हुए हैवान। महिला के परिवार से की थी 10,000 रुपए की मांग। यह मामला बांदा के रोडवेज स्टैंड के मनोरमा नर्सिंग होम का है। फैजाबाद जिले में प्राइवेट बस में एसयूवी कार ने पीछे से मारी टक्कर, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सीएससी बीकापुर में चल रहा है। आजमगढ़ जिले में एक युवक ने एक तरफा प्यार में गांव की एक दलित लड़की को घर में घुसकर जिंदा जला दिया। जलाने के बाद भाग रहे लड़के को गांव के लोगों ने पकड़कर बहुत मारा, साथ ही लड़की को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों का कहना है कि लड़की 95% जल चुकी है। उत्तर भारत में सोमवार रात 1 बजे फिर आंधी तूफान के कहर से लोग परेशान हुए। दिल्ली एनसीआर में भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। यही असर मंगलवार को भी होने को दिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना में रहने वाली लड़की ने अपने सपनों में 7 समंदर पार का पंख लगाया। पटना की मधुमिता शर्मा को सर्च इंजन गूगल ने अपने स्विट्जरलैंड कार्यालय में टेक्निकल सॉल्यूशन इंजीनियर के पद पर नौकरी दी। फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर और अनुज अहूजा की शादी 8 मई को हो गई। ये रही आज की दिन भर की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।